घर बैठे अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं और डॉलर कमाना चाहते हैं तो यूट्यूब से बेहतर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कुलसुम। अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं लेकिन कभी इधर की वीडियोस कभी उधर की वीडियोस उठा उठा के लगाते हैं और चैनल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा, कॉन्टेंट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, तो आपके साथ मैं आज एक ऐसा चैनल शेयर करने वाली हूँ जिसमें तो ना फेस दिखाने की ज़रूरत है, जस्ट कॉपी पेस्ट वर्क है। और देख लें वो चैनल कहाँ से कहाँ गया। आपके साथ उसकी अर्निंग भी मैं आज शेयर करूँगी। कुछ भी चैनल्स होते हैं जो स्लो स्लो ग्रो करते हैं, जिनका पता भी नहीं चलता, और ऐसा जब वो सामने आते हैं तो मिलियन मिलियन उनके व्यूज होते हैं और अर्निंग की उनके ऊपर जो होती है बारिश होती है अच्छी खासी डॉलर्स की। तो चलें चलते हैं, मैं आपको बताती हूं कैसे चैनल्स यहां पे ग्रो कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से चैनल बनाएं और ग्रो करें। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी चीज एकदम से काम नहीं करती, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, चीजें बेहतर होती हैं। SEO अच्छी करें, थंबनेल अच्छा बनाएं और फिर देखें आपका वक्त किस तरीके से आगे बढ़ता है और आप किस तरीके से उन्हीं चैनल्स के बराबर जाके खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपका भी चैनल एक बड़ा चैनल कहलाएगा। तो चलें मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अकवाली शरीर से रिलेटेड हो या फिर ब्यूटी टिप से रिलेटेड हो या फिर कुछ आयात या हदीस से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, चैनल्स होते हैं ऐसे जो कि अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं और मिलियन मिलियन में उनके व्यूज, सब्सक्राइबर, अच्छी खासी उनकी अर्निंग चलती है। यहाँ अगर हम आपके साथ एक चैनल की बात करते हैं तो यहाँ हम जाते हैं यूट्यूब और यूट्यूब की सर्चिंग बार में जाके हम लिखते हैं जनाब जुबैर मकसूद वॉइस। जुबैर मकसूद वॉइस लिखते हैं तो इनका चैनल कुछ इस तरीके से ओपन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं और इनके कितने ज़्यादा सब्सक्राइब, 630 तो इनके जो हैं वीडियोज़ हैं इस वक्त। और यहाँ पे देख लें इनके सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा हैं। देखते हैं हम इनके चैनल के ऊपर, ये देखें जनाब, यहाँ पे अगर इनकी वीडियोज़ को क्लिक करते हैं तो फिर आपको मैं बताती हूँ कि इनकी वीडियोज़ के ऊपर कितने ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। दो दिन पहले की ये वीडियो है, उसके ऊपर 6000 से ऊपर इनके व्यूज़ आए हैं, ये देखें जनाब। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हम लोग इनको इग्नोर कर लेते हैं, हमें समझ नहीं आती कि लोग किस दो दिन, तीन दिन, पाँच दिन, मतलब रेगुलर हैं, 7000, 8000 इनके व्यूज़ आ रहे हैं, 10000 व्यूज़ आ रहे हैं। अगर पॉपुलर वीडियोज़ पे अगर हम इनके जाते हैं देखते हैं तो इनकी वीडियोज़ जो पॉपुलर हैं तो वो देखें जनाब 2.6 मिलियन, ये देखें आपको मैं ये करके इस तरह बताती हूँ, ये देखें यहाँ पे 2.6 मिलियन। उसके बाद जो है इनकी अगली भी वीडियो के ऊपर जो है 2.6 मिलियन, ये देखें, ये देखें 2.6 मिलियन, नीचे जो है 1.9 मिलियन। इस तरीके से ये लोग वीडियोस बनाते हैं और किस तरह इनके चैनल्स ग्रो हो जाते हैं, यही बात है कि आपको भी मैं चाहती हूँ मैं आपको बताऊं कि किस तरह इनके चैनल के ऊपर। अब अर्निंग के ऊपर बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, चलें हम यहाँ से इनका लिंक लेते हैं, कॉपी लेते हैं, यहाँ से लिंक लिया और फिर मैं जाती हूँ, मैं इनको शेयर करती हूँ यहाँ पर और फिर आपको बताती हूँ कि इनकी अर्निंग इस वक्त कितनी है। इनका यहाँ पर इस करते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ये हमने किया। और अब ये देखें जनाब आपके सामने इनकी जो अर्निंग आ रही है, ये देखें एवरेज इनकी अर्निंग है ये रही जो कि आपको बताई जा रही है, ये इनकी एवरेज अर्निंग है और इसके साथ टोटल एस्टिमेट अर्निंग जो है इन्होंने अभी तक कितना कमा ली है। यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चैनल्स इस तरीके से कितना अच्छा कमा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरह का चैनल अगर बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर ग्रो करना चाहते हैं, अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हैं। सिर्फ यही चैनल नहीं है, अगर आप इसके अलावा भी सर्चिंग बार में जाके अगर यूट्यूब के लिखते हैं अकवाले ज़रीं से रिलेटेड आप अगर वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आप देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा चैनल्स आपके सामने ओपन होकर आते हैं। ये देखें इन्हीं का चैनल सबसे पहले आ रहा है और इसके अलावा और भी चैनल इस तरीके से आ रहे हैं। ये देखें जनाब, ये एक उर्दू वालों का चैनल है और 1.7 इनके मिलियन व्यूज़ हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं हदीस मुबारक के ऊपर इस तरह का चैनल है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इनके ऊपर हमने काम करना है और हमने सीखना है कि किस तरीके से ये वीडियोज़ बनती हैं और किस तरीके से इस तरह चैनल ग्रो होता है। तो चलें मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने जी, तो आपने अब जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे सर्चिंग में, आपने लिखना है जनाब अकवाले ज़रीं। अकवाले ज़रीं जैसे ही आप लिखते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये सारा इंटरफेस आता है और बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो इमेजेस वाला ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है, ये जो इमेजेस फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें हर तरह के ओपन होकर आएंगे। ये देखें किस तरीके से आपके पास ब्यूटीफुल ज़िंदगी और दोस्ती और इस तरह से हज़रत मोहम्मद और इस तरीके से सब्र और इस तरीके से वॉलपेपर, हार्ट टचिंग, मतलब ईच एंड पोइट्री, हर चीज़ से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे। जैसे दुआ, तो दुआ, चले हम दुआ वाले को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दुआ से रिलेटेड ये देखें कितने सारे खुल के आ गए हैं। अब
हमने यहाँ से इनको क्या करना है, हमने यहाँ से जितने भी हमें चाहिए ना इनको हमने डाउनलोड करना है। सपोज़ हमें ये चाहिए तो हमने इसको थोड़ा सा क्लिक करके रखा या डाउनलोड इमेज आया और ये हमारा डाउनलोड हो गया, ये गया गैलरी में। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे एक और इस तरीके से ये ले लेते हैं डाउनलोड इमेजेस के ऊपर क्लिक किया, ये डाउनलोड किया और ये भी गया गैलरी में। इसी तरीके से और हमारे सामने ओपन होते हुए आएंगे और हम लोग उनको इसी तरह डाउनलोड करते जाएंगे और हमारे पास अच्छे खासे यहाँ पे जो है अगर जमा हो जाएंगे इस तरह की सारी दुआ और फिर हम उसके ऊपर जो है यहाँ पे काम करेंगे। कोई भी जो आप यूज़ करते हैं किसी भी किस्म का, तो आप जो है कैपकट यूज़ करते हैं या फिर आप इनशॉट यूज़ करते हैं या काइन मास्टर यूज़ करते हैं, आपने वहाँ पे जाके जस्ट इसकी एडिटिंग करनी है। वो कैसे करनी है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से बैक करते हैं, हमने जो जो चीज़ें यहाँ से डाउनलोड की थी वो ले ली हैं। हम जाते हैं अपने कैपकट पे और कैपकट पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं न्यू इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये क्लिक किया हमने और यहाँ पे आने के बाद हमने फ़ोटोज़ पे गए और फ़ोटोज़ पे जो हमने फ़ोटो डाली थी सबसे पहले वाली ये और ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये जितनी हमें चाहिए हमने उतनी रखनी है और उसके बाद फिर यहाँ से हमने इसको किया रिमूव ओवरले पे क्लिक किया, यहाँ से लिया और हमने यहाँ से ले ली दूसरी दुआ। इसी तरीके से हमने ऐड किया इसको, फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और ले ली। इस तरीके से आप यहाँ पे तीनों चारों अपनी दुआएं ऐड करते जाएंगे, ये ले ली और ये डाल दी हमने यहाँ पे और फिर अगली हमने ओवरले किया और हमने फिर अगली दुआ ले ली। ये सारी दुआएं आपने जब यहाँ पे जमा करनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कितना सेट करके और किस तरह यहाँ पे एनिमेशन अगर आप इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ पहले तो आप इसको इस तरह कर लें कि जितना ये इतना खूबसूरत, ए अल्लाह मौत से पहली मेरी मफ़रत फरमा, इतना इसको किया। उसके बाद फिर ये देखते हैं, ये देखें ये इतना सा इसको, फिर हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इसका रेशियो जो है 16.9 जो हमारा यूट्यूब का है उसके हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट करना है। ये देखें अब ये यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो अब ये आ गया इतना, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने कर लिया। अगर आपके ये पूरा पूरा नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको इसके अंदर एडजस्ट कर लें। सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, आनी चाहिए, हर चीज़ को आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इसी तरीके से ये देखें इसको भी हमने जो है इसी रेशो में सेट करना है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी एनिमेशंस दे देनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से ऊपर जाते हुए आए या नीचे जाते हुए आए, उस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। अब ये इसके ऊपर आपने वॉइस ओवर कर लेनी और ये आपकी इतनी खूबसूरत सी वीडियो तैयार हो जाती है। और इस वीडियो के ऊपर आपने वॉइस ओवर कर ली, कुछ एनिमेशन लगा लें, जैसे एनिमेशन हम इस पे लगाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर ये इन वाली एनिमेशन में से मैंने इसके ऊपर ये डाल देनी है, क्योंकि इस तरह ऊपर जाते हुए दुआ बहुत खूबसूरत लगती है। ताकि साथ साथ आप उसको बोलते जाएँ और पढ़ते जाएँ और इसी तरीके से आपकी वीडियो जो है खूबसूरत होती चली जाए। अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं तो वो स्लोली स्लोली सामने आती जाएंगी। ये देखें अगर पूरे पे करते हैं तो इस तरह ये देखें स्लोली स्लोली सामने आती हैं। इस तरह से अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करें, आप यकीन करें बहुत अच्छी आपकी वीडियोज़ बन सकती हैं और आप अपने चैनल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपका खूबसूरत चैनल क्रिएट हो सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।